लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार शास्त्री, में बहुत देर से सोच रहा था कि ये सब क्या, सब ज्योतिष विद्या, ये ज्योतिष वगैरह ये सब साइंस ही है ना। ग्रह, उनकी दशा, उनकी विपाशा, ये सब उसी पर बेस है। नहीं, शायद यही सब देखकर तेरी दादी ने एकदम करेक्ट बताया। जैसी लड़की बोली थी वैसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये तो होना ही था, आखिर दादी माँ का पावर। तेरी दादी माँ का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, उनका क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। कैसी बात कर रहा है, उन्होंने तेरे लिए ये किया और तू है कि? उनकी इतनी उम्र हो गई है, क्या उनकी शादी करूं या हनीमून पर भेजूं? अजय, लगता है तेरा ध्यान भटक रहा है। चुप बैठ, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका है। मैं कौन सा उसका एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं फिर कभी मिलेगी या नहीं। When can you finish the alteration? Tomorrow morning. Okay, you're welcome. मेरी दादी माँ ने एक बार बोल दिया ना, तो मुझे यकीन है वो लड़की तुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। अजय वो आ गई। कहाँ? इधर आ। आया। देख। ये यहाँ क्यों? बंटी की गर्लफ्रेंड है इसलिए। जरा देखने दे। अरे बाप रे। बोलना, चुप क्यों शास्त्री? मुझे लगता है दादी माँ पे कोई काला जादू करके उनकी पावर। बकवास बंद कर, तू और तेरी दादी के चक्कर में बंटी की घंटी मेरे घर पड़ जाती। ऐसा होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन मेरे दादा की मरने की तारीख पता बताई। झूठ बोल रही है, खुद ही मारा होगा उन्होंने। लेकिन ज्योतिष पे तो यकीन। ए, मेरे पे बिल मत फाड़, गलती से तेरी और तेरी दादी की बातों में आ गया था। अगली बार अपना मनुज मुंह बंद रखना। सुन रवि, ये कल स्थानीय पार्क मॉल में जाएगी, इस पर कड़ी नजर रखना। ये बात अमजद भाई ने बताई? नहीं, तेरी दादी बताई। अब उस बंटी और इसे पकड़ने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। दिल को बहुत चोट पहुंची। देख तो अजय, हाथ में कितने बैग्स है, पैसा पानी की तरह खर्च कर रही है। वो देश को लूट रहा है और ये उसे लूट रही है। आ रही है। What's your problem? Yes, you. Why are you following me? ये तो बड़ी होशियार निकली, इसे तो सब पता चल गया। सुन लेगी ना। शास्त्री, कभी तो अकल की बात किया कर, इसको हिंदी नहीं आती है। आती है। आती है तो सुन लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, कॉफी पीने आया हूँ, पी नहीं सकता क्या? ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेसिकली लड़कों में दो टाइप होते हैं। टाइप वन, जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की को अकेले देखते हो तो इस तरह से ग्रुप बनाकर उसका पीछा करते हो और उसे छेड़ते हो। टाइप टू, कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसे डायरेक्ट जाकर बोल देते हैं, और ऐसे लड़कों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम जैसों से मुझे नफरत है। स्टॉप कॉलिंग मी। कब से देख रहा हूँ चपड़ 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 किए जा रही है, हा? ये जो तेरा घमंड है ना, हवा में उड़ा कर रख दूंगा, समझी? तेरे को क्या मैं लाइन मारूंगा? कलर देख अपना, तुझसे गोरा हूँ, चुईया कहीं की। Shut up! ये जो बैग भर भर के तू शॉपिंग कर रही है ना, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? That's none of your business. हाँ, business, तेरा business, तेरे आगे वाले का business, तेरे पीछे वाले का business, सब मालूम है मेरे को, सबको, सबको रस्ते पर लाऊंगा। बहुत नाटक है इसको, है तो वैम्पर नखर हीरोइन जैसे। कंट्रोल आ जाए, तुम पर्सनली ले रहे हो। एक्सक्यूज मी, बिल सर। हाउ मच? सासी पासी। सासी पासी कितना होता है? वही, उस लड़की का फ्लैट नंबर 405। नो, सासी पासी 505। सासी पासी मतलब 405 नहीं है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है। इसका मतलब ये बंटी की गर्लफ्रेंड नहीं है? और क्या, खाली पॉकेट बेचारी को झाड़ दिया, छोटी नाटी घमंडी, क्या क्या बोल दिया उसे। सुनो, एक काम करो, जल्दी से बंटी की गर्लफ्रेंड को ढूंढो। उस लड़की के पास जा रहे हो? नहीं, अमजद भाई से मिलने। कहाँ गई होगी ये लड़की? मम्मी चली है। अरे कहाँ गई थी तुम? बोट का टाइम हो रहा है ना। बोट नहीं मम्मी, फेरी। बोट फेरी सब एक ही है। अच्छा ठीक है, चलो। हेलो बेबी। हेलो जी। You Indian? जी हाँ, मैं अजय हूँ। Hi, I am Padma. This is my small daughter Shishanti, and that is my big daughter Prashanti. उसे मत कीजिए। आपने लड़कियों के नाम बड़े ही प्यारे रखे हैं दीदी। You called me sister? बुरा लगा? I am happy. पद्मा दीदी, हॉलीडेज के लिए लोग यूरोप स्विट्जरलैंड जाते हैं, आप लोग इस्तांबुल क्यों आ गए? Not holidays. यहाँ मैरियट होटल में फैशन शो हो रहा है ना, प्रशांति फैशन डिजाइनर है, उसके डिजाइन किए हुए कपड़े मॉडल्स पहनकर रैंप पर वॉक करेंगी। अरे आपके होते हुए मॉडल्स की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है दीदी, इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, मैं फोर्स नहीं करूंगा। वैसे आपकी जो बड़ी बेटी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट अप। प्रशांति, मेरी बात जरा शांति से सुनो। आपने मेरा नाम भी बता दिया। सब कुछ बताया है, लेकिन पहले जो कुछ मैंने कहा था उसे दिमाग से निकाल दो। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस गलतफहमी। देखो प्रशांति, मैं टाइप टू किस्म का आदमी हूँ। टाइप टू मतलब क्या? इससे पूछ लो दीदी। लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। छोटी वाली बहुत इंटेलिजेंट है, कह रहा हूँ दीदी इसकी तरह नहीं है। Shut up, मम्मी चलिए यहाँ से। मेरी बात सुनो। आती मम्मी, मैं भी आई। क्या कह रहे थे तुम? मेरे घमंड को हवा में उड़ा दोगे? तुम में तो घमंड है ही नहीं। और हाँ, तुम मुझसे ज्यादा गोरे हो। मैंने कहा ना, वो सब भूल जाओ प्लीज। Go to hell.
मेरी दादी तो दादाजी की एक भी बात नहीं सुनती थी, तुमने कितनी सारी बातें सुना दी। मेरे दादा को भी दादी ने मारा, ये बोला, हाउ कुड यू से दैट। प्लीज चुप हो जा यार, अब लड़कियों की तरह मत रो। सिर्फ तेरी दादी को ही नहीं, प्रशांति को भी कितना उल्टा सीधा बोला। उसका नाम प्रशांति है, तुझे कैसे पता चला? अजय, बंटी की गर्लफ्रेंड। चालाक लोमड़ी लगती है, उस पर कड़ी नजर रखना तुम लोग। और तू प्रशांति पे। पता नहीं अब क्या होगा प्रशांति, तुम्हारे डैडी ने सिविल्स प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें दिल्ली जाने को कहा और तुम वो सब छोड़कर यहाँ फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने आ गई। आंटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1200 स्टूडेंट्स में से हम दोनों को इस कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, हमें कुछ तो बात होगी ना। अरे वो सब तो ठीक है, पर अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। डैडी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम ही बात करो। प्रशांति कुछ टेंशन में लग रही है, कौन होगा फोन पर? हो सकता है उसका डैडी हो, लगता है उसका बाप उसकी क्लास ले रहा है। वेरी टफ, तुम पास हो जाओगी, मुझे पूरा भरोसा है। आईपीएस के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है प्रशांति। मैं पूरी कोशिश करूंगी डैडी। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। यार शास्त्री, तेरी दादी माँ यहाँ नहीं थी फिर भी तुझे इतना बुरा लगा, मैंने तो उसके मुँह पे बोला, उसको कितना बुरा लगा होगा। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, सॉरी बोल देना। अरे किसी और की गलती के लिए मैं क्यों सॉरी बोलूं, सिर्फ समझा सकता हूँ। सपना, सभी कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के लड़के भी बड़े हैंडसम हैं। यहाँ मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, बहुत हॉट एंड स्पाइसी है, उसे देखकर तो लग रहा है इसे अभी चबा जाऊं। बिल्कुल शिमला के एप्पल जैसा है, दिल तो कर रहा है इसे काट खाऊं या इसका जूस बनाकर इसे पी जाऊं। ऐसे लड़के इंडिया में क्यों नहीं पैदा होते? अगर ये इंडिया में पैदा होता ना, वही पैदा हुआ था। रुको जरा, तुम औरत हो या फल वाली हो? जूस बनाकर पीऊंगी, काट कर खाऊंगी, तुम क्या जानवर हो? एक्चुअली मुझे इतना अच्छा है, बातें तो अच्छी क्या करो, खा जाऊंगी पी जाऊंगी, अपने देश का कल्चर क्या। और ये कैसी बातें कर रही, आजकल की लड़कियां ना बहुत फास्ट है। हाय, ऑल द बेस्ट। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तो पहली नजर में ही तुम पर फिदा हो गया था, लेकिन क्या करूं, जब गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल देता हूं। I'm really sorry. Please मुझे माफ कर दो। Of course, माफ कर दिया। अबे जंगली जवानी, छोड़ मुझे, छोड़। I'm so happy. चिपक मत, क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। I'm so lucky, तुम कितने अच्छे हो। नहीं नहीं, छीवाली जैसी कोई बात नहीं। नहीं, मैंने छोड़ ना, पीछे समझ के रखा क्या? फोन उठाया, कॉइन डाला और बात की, मुझे लगा वो खड़ी थी। उसके लिए आए थे शास्त्री। हेलो। किसी और का पीछा करना था पर इसका पीछा करना पड़ रहा है। क्या करें, ड्यूटी है। अरे छोड़ना, क्या कर रहा है, चली जाएगी। ए, शास्त्री तेरी। परसों ये थी, कल मैं थी और आज ये, अब क्या बहाना बनाओगे? कुछ भी बोल दो। कुछ भी क्यों, जो सच है वही बोलूंगा। देखो तुम अलग हो, ये अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है, वजह अलग है, हालात अलग है, मकसद अलग है। मकसद मैं जानती हूँ, तुम जैसे लड़कों से मुझे सख्त नफरत है, चलो यहाँ से। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है शास्त्री कि मैं जो कर रहा हूँ गलत ही कर रहा हूँ। फिलहाल ये सब बातें सोचना बंद कर दे, फटाफट जाओ और से सच बता दे। हाँ शास्त्री, अब तो वही करना पड़ेगा, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रखना। मेरी बात सुनो प्रशांति। हे, कितने बेशर्म हो तुम, एक्सक्यूज मी। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो, जबरदस्ती लोग जमा हो जाएंगे। देखो मैं तुम्हें सच बताना चाह रहा हूँ, असल में मैं एक पुलिस वाला हूँ, यहाँ एक मुजरिम के पीछे आया हूँ। हमें उसकी गर्लफ्रेंड की तलाश थी, लेकिन गलती से तुम्हें वो समझ के तुम्हारे पीछे पड़ गए। सच तो यह है कि मैं तुम्हें देखते ही पागल हो गया था, फिर गलतफहमी हुई तो झगड़ा हो गया, गलतफहमी दूर हुई तो प्यार हो गया, समझाना है तो और लफड़ा हो गया। इन लफड़े झगड़ों से मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है ताकि तुम मेरी पूरी बात सुन सको। आगे तुम्हारी मर्जी। इतनी टेंशन में क्यों हो? आज डिजाइन प्रेजेंटेशन का फाइनल है, पता नहीं क्या होगा। अभी तक तुम्हारा ही डिजाइन सेलेक्ट हुआ है और आगे भी तुम्हारे ही होंगे, डोंट वरी। हे, बैग कहाँ है? ओ शिट, लगता है स्टेशन पे ही छोड़ दिया। जल्दी आ, रुको, मेरे बैग। मैंने कितनी मेहनत की थी सबके लिए। प्रशांति, डोंट वरी, ये सब पापा से झूठ बोलने का नतीजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। लड़कियों के पीछे लड़के जाएं तो लड़कियां गुस्सा होती हैं, पर देखो इसके कितने फायदे। डिपार्टमेंट में कहते हैं कि मेरा हाथ सबसे अच्छा है, सही हाथों में पड़ गया इसलिए बैग भी तुम्हें वापस मिल रहा है। और तुम पराए देश में इस तरह नहीं घूमते, अपनी संस्कृति का कुछ तो ख्याल रखो, जाओ अब लेट हो जाओगे। थैंक्स। अच्छा अजय, ये बंटी आएगा भी या नहीं? आएगा शास्त्री, जरूर आएगा, पुलिस वालों की नजरों से कोई नहीं बच सकता। अब देखना,
प्रशांति पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी काम बन गया ना। काम बन गया? तुझे शक है क्या? अरे यार, मेरी नजरें एक बार किसी लड़की पर पड़ जाए ना तो वो पागल हो जाती है। सुबह शाम बस मेरे ही ख्यालों में खोई रहती है। प्यार से तो बातें कर लूं बस फ्लैट हो जाती है। मैं एक बात कहूं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। देख यार शास्त्री, तू दोस्त है, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब फैशन डिजाइनिंग और पुलिस डिपार्टमेंट का कोई मेल है क्या? हा? पहले चने के झाड़ पे चढ़ाओ, बाद में झट से उतार दो। ऐसी बात मत कर यार, शादी के बाद हर जगह लेकर जाना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं लेके जाऊंगा, एक बार शादी हो जाने दे, मैं थोड़ी माँ बाप की तरह सर पे चढ़ा कर रखूंगा। और उसकी माँ भी बहुत अजीब है, इतना पकाती कि मैं थक जाता हूँ। इतनी उम्र हो गई उसकी, दो बच्चों की माँ है, फिर भी मॉडर्न ड्रेस पहनकर घूमती रहती है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा मैं। अरे ऐसा मत बोल, सुनेगी तो बुरा लगेगा। अरे सुनेगी तब ना। सुन लिया उसने। क्या बोला? ये देख, मैं यहाँ पर तुम्हें कल के लिए थैंक्स कहने आई थी, बट यू डोंट डिजर्व इट। तुम किस टाइप के लड़के हो ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अब सुनो, लड़कियों में दो टाइप्स होते हैं। टाइप वन, वो लड़कियाँ जो तुम्हारी हरकतों से इम्प्रेस होकर तुमसे पट जाएंगी। टाइप टू, इन्हें पटाना बहुत मुश्किल है, इनके नखरे झेलने पड़ते हैं, मारा मारी करनी पड़ती है, जान खतरे में डालनी पड़ती है, फिर भी पटने की कोई गारंटी नहीं। मैं टाइप टू की हूँ, गुड बाय। ये कब से खड़ी थी? तभी जब प्यार से फ्लैट होने वाली बात की। तो बोला क्यों नहीं? बोलना तो चाह रहा था, मौका कहाँ दिया? अरे तो कोई इशारा कर देता। ये याद नहीं रहा। मेरी भी मत मारी गई थी जो तुझसे ये सब बातें करने लगा, और वो भी उसी वक्त चुपके से चुईया की तरह आ गई। एक तो इतनी सी है, पता भी नहीं चलता पीछे खड़ी है या नहीं है। मैं हाइट छोटी होने पर भी उसको अपना रहा हूँ शास्त्री, और मुझे टाइप टू का बोलती है। उसके लिए तो कोई टाइपिंग वाला ही सही रहेगा, ये नहीं तो कोई और सही। अब क्या मार रहा है? जब मारना चाहिए तब तो मारा नहीं। वो फिर आ गई। बच गया बैंड। तुझे आदत है ना जरूरत से ज्यादा बकबक करने की। साला तकदीर ही खराब है। अजय, मैंने अभी बंटी को देखा। Hey darling, my baby, darling. baby. क्या रे बंटी, बहुत देर कर दी। कौन है बे तू? अबे साले, तू कोई फिल्म स्टार है जो मैं तेरा फैन हूंगा? पुलिस। निकल। कैसे हो बंटी बेटा? नहीं, तेरा बाप। कौन है तू? पुलिस। कस्टडी में से सबूत मिटाकर तूने बहुत बड़ी गलती की, अब देखना उसका नतीजा क्या होगा। ए, पूरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तू अकेला क्या उखाड़ेगा? अबे वो भौंकने वाले कुत्ते, तूने लाइफ में बहुत लोगों से पंगे लिए होंगे, लेकिन मैं हटकर हूँ। मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे अपने ही पैदा होने पर अफसोस होगा। बता बंटी का फोन तेरे पास कैसे है? वो कहाँ है? ठीक मुझसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो। ले बात कर। भाई, भाई बचा लो मुझे। ए, बंटी बेटा, मैं हूँ ना, डरना नहीं। भाई कुछ सुना? आखिरी बार उसकी आवाज सुनी है तूने? उसे कुछ मत करना प्लीज। एक बार जो मैंने सोच लिया तो फिर मैं वो करके ही रहता हूँ, समझा? अबे तू जानता नहीं है तूने किस सांप के फन पे पैर रखा है। अबे ओ चिंदी चोर, ये धमकियां किसी और को देना। ए
अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुझे ढूंढ कर मारूंगा। फिर से बोल। साले ढूंढ कर मारूंगा। जोर से बोल। साले ढूंढ कर मारूंगा। बेस्ट ऑफ लक बंटी, पैक अप बंटी।